नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत गुरुची फरियाना। आज हम पहुंचे हैं जिला गुरुग्राम में और यहां कम्युनिटी सेंटर में सुखराली के अंदर पार्षदों का एक सम्मेलन हुआ। तो हम जानना चाहेंगे यहां वार्ड नंबर 6 के जो पार्षद है वो श्री अनुप सिंह ठाकरान जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे ये किस बेस की मीटिंग या एक समागम था। पार्षद साहब कैसे हैं? ठीक है, मेरा नाम अनुप सिंह है। कैसे हो सर? ठीक है जी। तो सर ये आज किस प्रकार का सम्मेलन था? ये हमारी जो हाउस की मीटिंग होती है निगम की, जिसमें हमारे एजेंडे रखे जाते हैं, एजेंडे पास होते हैं हाउस के माध्यम से जी। तो एजेंडे को लेकर मीटिंग थी, डेवलपमेंट को लेकर मीटिंग थी जी। तो आज वो हमारे हाउस की मीटिंग चल रही है। तो सर इसमें किस किस एजेंडे पे बात हुई, एक आध बताएंगे आप प्लीज? सबके उन्होंने डेवलपमेंट के जो अपने वार्ड सभी काउंसिलर जो अपने एजेंडे दिए हैं उस एजेंडों पर डिस्कस हुई है जी। और मैक्सिमम एजेंडे सबके पास हो गए। सबके पास हो गए जी। तो मुख्य अतिथि कौन थे सर? नहीं, इसमें मुख्य अतिथि कोई नहीं था। इसमें हमारी मेयर टीम होती है, माननीय कमिश्नर साहब होते हैं और सारे ऑफिसर्स होते हैं, लेकर एक्शन तक से लेकर कमिश्नर तक के सारे ऑफिसर यहाँ अवेलेबल होते हैं जी। तो सारा वार्ड वाइज डेवलपमेंट पर डिपेंड होते हैं, डिस्कस होती है जी। तो ये थे श्री अनुप सिंह जी जो वार्ड नंबर 6 से पार्षद है। इन्होंने बताया कि जितने पार्षद साथी थे उन्होंने सबने अपना एजेंडा रखा है और प्रेजेंट में मेयर भी यहाँ पे मौजूद थी और जिनके जो एजेंडे थे वो सभी को पास कर दिया गया है। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपी न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद।